आपके साथ साक्षी जुड़े जाए। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान को ऐसी टीम के तौर पर जाना जाता है जो कभी शानदार प्रदर्शन करती है तो कभी बेहद खराब। अब शुक्रवार को वर्ल्ड कप 2019 के अपने पहले ही मैच में ये टीम पस्त नजर आई। बता दें कि नॉटिंगहम में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने सरफराज अहमद की कप्तानी वाली टीम को महज 105 रनों पर ढेर कर दिया। पाकिस्तान की ओर से 4 खिलाड़ी दोहरे अंक का स्कोर बना पाए। फकर जमान और बाबर आजम ने 22-22 रन बनाए। आखिर में वहाब रियाज ने 2 छक्कों के साथ 11 गेंदों पर 18 रन बनाए, वरना पाकिस्तान की टीम 100 के आंकड़े को भी छू नहीं पाती। इससे पहले 1952 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड ने 74 रनों पर समेट दिया था। वेस्ट इंडीज की ओर से ओशानी थॉम्स ने 5.4 ओवरों में 27 रन देकर सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि कप्तान जैसन होल्डर को 3 विकेट हासिल हुए। अब भाई एक बार फिर से पाकिस्तान हारती नजर आ रही है, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 2019 के वर्ल्ड कप में किसकी जीत होती है और किसकी हार। चलिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए PMS मीडिया।